तो गैस मैं हूँ किताब देख रहे हैं WWE फैंस नेटवर्क। तो गैस एज आखिर क्यों रोए रेसलमेनिया 36 में रैंडी ऑर्टन से अपने मैच के दौरान, आखिर क्यों आए एज के आंखों में आंसू, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस जैसे कि पता है हमें रेसलमेनिया नाइट 2 में देखने को मिला रैंडी ऑर्टन और फिर एज का मैच, और यहाँ पे गैस ये लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच काफी ब्रूटल देखने को मिला, काफी ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला, पूरा परफॉर्मेंस सेंटर का हमें टूर देखने को मिला यहाँ पे। तो गैस एज की आंखों से आंसू आ गए इस मैच के दौरान, और आपने नोटिस भी किया होगा जब एज ने कौन चेयर्स अटैक किया, यहाँ पे दोनों चेयर्स के बीच में सैंडविच बना दिया रैंडी ऑर्टन को, तब जाके एज की आंखों में आंसू आ गए थे, एज की आंखों से आंसू झलकने लगे थे। इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गैस आपको पता है कि 9 साल बाद यहाँ पे एज का रिटर्न हुआ है इन रिंग एक्शन में, और वो भी सिंगल्स मैच में। और गैस 9 साल पहले एज ने WWE चैंपियनशिप को रिलिंक्विश की थी, और यहाँ पे गैस एज के जो इमोशंस थे वो झलक उठे हैं। वैसे भी रैंडी ऑर्टन उनके फॉर्मर टीम मेट रह चुके हैं रेटेड आरकेओ में, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक टीम थी, काफ़ी ज़्यादा दोनों आपस में जो है वो मिले जुले रहते हैं। और ऐसे में गैस ये तो हो गई स्टोरी लाइन के हिसाब से दोनों में दुश्मनी है, अंदर से भी दोनों में जो है गैस काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है, हम सबको पता है क्योंकि WWE जो रेसलर्स होते हैं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड होते हैं। और ऐसे में गैस कुछ ऐसा ही है एज और रैंडी ऑर्टन के साथ। यहाँ पे गैस जब एज कॉन्शियस अटैक करते हैं रैंडी ऑर्टन पे, यानी कि जब सैंडविच बनाते हैं रैंडी ऑर्टन के गर्दन का, तब उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। और यहाँ पे एज के आंखों के सामने कहीं ना कहीं गैस वो पूरा एक तरह से जो होती है पुरानी 9 साल पहले की स्टोरी पूरे एज के सामने घूमने लगती होगी, और प्रोबेबली ऐसा हो सकता है तब जाके एज की आंखों से आंसू आ गया। एज को काफ़ी कुछ चीज़ यहाँ पे याद आई होगी, और सबसे बड़ी चीज़ गैस हो सकती है स्पोर्ट्समैनशिप, जो कि यहाँ पे एज और रैंडी ऑर्टन दोनों के बीच में है। और जिस तरह से रैंडी ऑर्टन कह रहे थे कि वो एज को बचाने के लिए, क्योंकि उनका नेक दोबारा इंजर्ड ना हो जाए, एज को फिर कोई खतरा ना हो, उससे बचाने के लिए रैंडी ऑर्टन उन्हें रोक रहे थे और उन पर अटैक किया था, तो पॉसिबली गैस एज ये भी सोच के रो रहे होंगे। और वैसे तो हमें पता है ये स्टोरी लाइन का हिस्सा है, तो इसमें हम कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पे फिलोसफी बात नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ स्टोरी लाइन का हिस्सा है। लेकिन गैस कुछ चीज़ होती हैं जो कि रियल होती हैं, और ऐसे में गैस काफ़ी हद तक एज की आंखों से जो आंसू निकले थे वो एक्चुअली में रियल थे, और कोई इतना भी ज़्यादा बनावटी नहीं होता है। बाय द वे गैस एज और फिर रैंडी ऑर्टन के बीच में जो मैच हमें देखने को मिला उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप हमें देखने को मिली, काफ़ी तगड़ा मैच देखने को मिला, और एब्सोल्युटली फेयर एंड स्क्वेयर मैच था, और इसे एज ने जीता। और ऐसे में गैस हमें पता चला कि एज कितने ज़्यादा तगड़े वाले सुपरस्टार हैं, और किस तरह से वो अन्य सुपरस्टार की भी इज्जत करते हैं, अदर सुपरस्टार्स की वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इस मैच के बाद हमें पता चल गया। तो यही कुछ रीज़न है कि एज के आंखों में आंसू आ गए, एज को वो सारी चीज़ें याद आने लगी होंगी रैंडी ऑर्टन के साथ टीम वगैरह जो कि उनकी रेटेड आर क्योंकि थी, और एज को सारी चीज़ एक बार रिमाइंडर के तौर पे आने लगा होगा उनके आंखों के सामने। तो पॉसिबली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और यही हुआ ही होगा। इस वाले वीडियो के लिए इतना था गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।